नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी टुडे न्यूज़ पर। और आज आपके लिए बहुत बढ़िया अपडेट लेकर आया हूँ जो कि इंडियन नेवी की तरफ से निकल के आ चुका है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, 300 प्लस सीट्स यहाँ पे आउट की गई हैं जहाँ पे 10th पास कैंडिडेट एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे लेकर जाऊँगा, वहीं पे चेक करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो बताऊँगा। सो वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ के साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे आपको हर एक नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में मिलता रहेगा और समय रहते आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। वैकेंसीज़ की बात करूँ और बहुत सारी वैकेंसीज हैं जिनको आप हमारी वेबसाइट पर जाके चेक करके अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए सिंपली आपको गूगल में जाना है और वहाँ पे जाके टाइप करना है www.clori.com, वहीं से सारे जॉब रिलेटेड अपडेट्स आपको मिल जाएंगे और चेक करके आप अप्लाई भी कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं रिक्रूटमेंट अपडेट के ऊपर और वहीं पे चल के बाकी की इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले अगर बात करूं इंडियन नेवी की तरफ से, ये नोटिफिकेशन है जो कि आउट किया गया है, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसीज़ हैं, ठीक है जी, आप देख पा रहे हैं 40 वैकेंसीज़ आउट की गई हैं। इलेक्ट्रो प्लास्टर की हैं एक वैकेंसी, फिटर की वैकेंसीज़ हैं 50, उसके बाद है फाउंड्री मैन की हैं जिसके लिए एक वैकेंसी है, मैकेनिक डीजल की 35 वैकेंसी है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 7 वैकेंसीज है, मशीनिस्ट की 13 वैकेंसीज हैं, MMT मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस की 13 वैकेंसीज हैं, पेंटर की यहाँ पे जनरल की 9 वैकेंसीज है, पेंटर मेकर की 2 वैकेंसीज हैं, पाइप फिटर की 13 वैकेंसीज आउट करी गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की यहाँ पे 26 वैकेंसीज हैं, मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एंड एसी की मैकेनिक की यहाँ पे 7 वैकेंसीज हैं, इसी के साथ शीट मेटल वर्कर की 3 हैं, शिपराइट वुड की 18 वैकेंसीज हैं, टेलर की यहाँ पे 3 वैकेंसीज हैं, वेल्डर की 20 वैकेंसीज आउट की गई हैं, मशीन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो 8 वैकेंसीज हैं, उसके बाद INCTSM की यहाँ पे 3 वैकेंसीज है, शिपराइट स्टील की फिटर की यहाँ पे 16 वैकेंसीज जो है वो आउट करी गई हैं, जिसके लिए आप अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर यहाँ पर मैं बात करूँ रिगर की यहाँ पर 12 वैकेंसीज हैं, फॉर्जर एंड हीट ट्रीटर की यहाँ पर 1 वैकेंसी है, टोटल 301 वैकेंसीज है जो कि यहाँ पर आउट करी गई हैं, जिसके लिए आप अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर यहाँ पे मैं बात करूँ इन वैकेंसीज के लिए, तो आपने 10th पास है ITI की ओवर रेलवे डिसिप्लिन में, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा ऑनलाइन और यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ रीगर पोस्ट के लिए आपके 8th पास कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं और फॉर्जर हीट ट्रीटर के लिए मैट्रिक एंड SSC पास कैंडिडेट एलिजिबल हैं और अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो उसके बाद एज की अगर मैं बात करूँ 14 प्लस है आपकी एज, तो आप इसके लिए अप्लाई जो है वो कर पाएंगे। सारे लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो दे दिए हैं, आप चेक करके यहाँ पे अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ मिनिमम आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करूँ, तो हाइट 150 सेंटीमीटर, वेट आपका 45 केजी से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, और आपकी बाकी डिटेल्स आप यहाँ से चेक कर ही सकते हैं, ठीक है। आपकी प्रीवियस ट्रेनिंग की बात करूँ यहाँ पे, तो आपकी जो प्रीवियस ट्रेनिंग अगर आपने कहीं पर लगाई है तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पेमेंट और स्टाइपेंड अमाउंट आपको क्या मिलेगा, वो यहाँ पे इन्होंने बताया एज पर रूल रहेगा। यहाँ पे आपको ऑनलाइन यहाँ पे अप्लाई करना है, registration.ind.in पे जाके आपको इसके लिए अप्लाई जो है वो करना होगा। सारे के सारे लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, चेक करके आप इसके लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता ही सकते हैं। यहाँ पे आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है, पहले शॉर्ट लिस्टिंग होगी, देन आपका रिटर्न एग्जाम होगा, उसी के बेसिस पे आपकी यहाँ पे सिलेक्शन जो है वो होने वाली है। सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, चेक करके अप्लाई कर लीजिएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके लिए सभी तरह के लेटेस्ट रिक्रूटमेंट अपडेट देकर आता ही रहूंगा। तो मिलूंगा आपको नई नोटिफिकेशन के साथ नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद जी।